तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। एक क्वेश्चन अनुष्का शुक्ला ने पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो जो अभी अपलोड की हुई है आज, आई थिंक 52 मिनट 53 मिनट की, उसमें देखना एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 40 आप डिस्कस करना चाह रही हैं, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सौम्या मिश्रा का एक क्वेश्चन पिक करते हैं। हालांकि टेबल जो बताया है उस वीडियो में, उससे इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा किया आपने पुटअप किया हुआ है, तो फिर देखते हैं कि आज की क्लास में क्या कर सकते हैं। सौम्या के प्रॉब्लम से डिस्कस करना शुरू करते हैं और फिर उसी के साथ में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट करेंगे। वी हैव टू डिफ्रेंशिएट अ बॉडी, ये NCERT टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पिक किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 NCERT से 5.3 NCERT से 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बॉडी को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस बॉडी, ठीक है। और टेबल जो कल मैंने बताया था, उस टेबल में आपको एक चीज याद आ रही होगी, मैंने यहाँ पर बता रखा है कि कभी भी अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिलता है, देन ईजिली यू हैव टू लेट एक्स स्क्वायर टू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से थीटा की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं, क्या देखने को मिलेगा? टेन इनवर्स एक्स। ये भी बात सही है, सारी वैल्यूज को उठाओ और उठा करके पुट कर दो। बोलो भाई क्या देखने को मिलता है? वाई स्क्वायर टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं ये रिजल्ट क्या है, साइन टू थीटा का। अब देखो बच्चा क्या है कि सारे फॉर्मुलेज आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। अभी अगर फॉर्मूलाज ही नहीं लर्न है, देन हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब मैथमेटिक्स का बैकबोन है फॉर्मूला, खैर कोई बात नहीं, याद कर लेंगे आप सभी लोग। देन टेन इनवर्स एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं कर देते हो? डी बाई डी एक्स, टू डी बाई डी एक्स, देन टेन इनवर्स एक्स, एंड नाउ 2, this is known as 1 plus x square, 2 upon 1 plus x square, this is a final answer, ये रहा आपका final answer, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पूरा problem आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी आज की क्लास में क्या है, हम लोग logarithm start करने जा रहे हैं, तो use of logarithm, how a differentiation work with a logarithm function, इसके पहले मैंने कई बार आपको कहा हुआ है कि logarithm क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, differentiation अलग अलग functions पे किस तरीके से work करता है। इसके लिए proper एक function का chart आप देखें, तो function का chart आपको visual mathematics पेज पर भी देखने को मिल जाएगा, Facebook पर है @visualmathematics, description box में उसका link भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में उस चार्ट को भी अटैच करने की, ठीक है। देखते हैं यूज ऑफ लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन लॉगरिथम पे किस तरीके से साथ काम करेगा, क्या है क्या नहीं है, आइए यूज ऑफ लॉगरिथम, यूज ऑफ लॉगरिथम। अच्छा, यूज ऑफ लॉगरिथम में हम लोग क्या करेंगे, अगर कभी भी हमारे पास बॉडी कुछ इस तरीके से दे दी जाए, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो फिर हमें लॉग का यूज करना है, ये कंफर्मेशन है। दूसरा केस, अगर कभी भी हमको देखने को मिल जाए कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, तब भी अगर हमें देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म पर हैं, ठीक है, मोर देन टू फैक्टर इन प्रोडक्ट फॉर्म, या फिर बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों में ही, इन सब सर्टेन कंडीशंस पर हम लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल कर देते हैं। एक फेमस क्वेश्चन पिक करते हैं, लेट अस कंसीडर, क्वेश्चन रहा y इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। यूपी बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है, दो तरीके हैं। नंबर एक, हम चाहें तो सीधे भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखो डिवीजन रूल लग रहा है, डिवीजन रूल लगा सकते हैं, लेकिन एक बच्चा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अगर यहाँ पर डिवीजन रूल हम अप्लाई करते हैं तो इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, अब समझ रहे हो ना, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल,
तो ये थोड़ा सा कई बार आपको कहा है कि मैथ्स में कैलकुलेशन कम रखना एक टेक्निक है, इसलिए इस मेथड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और अब देखते हैं यहां से यूज ऑफ लॉगरिथम, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म पर देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बात सीधे समझ आ रही है कि हमें क्या करना है, लॉग ले लेना है। ठीक है, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, अच्छी बात है। यहां से लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग वन माइनस एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ये भी बात ठीक है। ये भैया कैसे आया है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? गुड, सिंस आप जानते हैं लॉग एम बाई एन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया, यहां तक पहुंच गए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू बोलो तो जरा क्या होती है, जीरो होती है, ये बात सही है। आगे देखते हैं ये वैल्यू जीरो कैसे होती है, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब फिर वहां पर इन सब चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखना है लॉग वाई प्लस टू, यहां से क्या देखने को मिलता है, जीरो माइनस लॉग। ये वाली बच्चा जो बॉडी है ये देखो जो इनटू में है ये सब तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, तो ये देखने को मिलेगा लॉग एक्स प्लस ए, लॉग एक्स प्लस बी एंड लॉग एक्स प्लस सी, ये बात इतनी ठीक समझ आती है। क्या देखने को मिलेगा, माइनस का लॉग एक्स प्लस ए, माइनस का लॉग एक्स प्लस बी, माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, तो बच्चा बता देते हैं लॉग एम इंटू एन की आपने एक प्रॉपर्टी सीख रखी है लॉग एम प्लस लॉग एन, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में आप प्रॉपर सोल्यूशन देख पा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हमने क्या किया, अभी क्या किया, ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड क्या रन करा देंगे, डी बाई डी एक्स, माइनस साइन आगे आ जाएगा, लीनियर प्रॉपर्टी से डी बाई डी एक्स हर टर्म के पास चला जाएगा। बोलो भाई जाता है या नहीं जाता है, गुड बहुत बढ़िया। यहां से लॉग वाई, अब देखो बच्चा क्या है कि ये जो वाई है ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ एक्स है, इस जगह से समझो, क्योंकि वाई जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं जाएगा, y को कांस्टेंट मत कंसीडर कर लेना, वो फंक्शन ऑफ x है। तो यहां से इस नोट पॉइंट को एज इट इज याद रखेंगे, हमेशा यूजफुल है, काम करेगा, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अरे लॉग x का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन x हो गया, आफ्टर देन जब इस बॉडी को हमने डिफ्रेंशिएट किया इंटरनल बॉडी को, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या जनरेट हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसके बाद से हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस बी, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी, क्षमा चाहता हूँ थोड़ी सी खांसी आ रही है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स टू, माइनस साइन को कॉमन किया, पाई को ट्रांसफर किया, ओवरऑल देखने को क्या मिलता है, कुछ ये, यहाँ से एक्स प्लस सी, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई, गुड, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी एंड इन साइड द ब्रेसेस वन अपॉन एक्स प्लस ए, वन अपॉन एक्स प्लस बी, वन अपॉन एक्स प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, क्या आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं हाउ टू यूज द लॉगरिथम, लॉगरिथम का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? एक फेमस क्वेश्चन यहाँ से पिक करते हैं, फेमस क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, स्टूडेंट अक्सर एरर क्रिएट करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन में वो स्टेप क्लियर कर देते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अप्लाई करते हैं और वहीं से स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो ये नहीं होता है, ये जो बता रहे हैं ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स को जब भी इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए देते हैं वो क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स, और फिर वो क्या करते हैं बच्चा, एक्स आगे आ गया और इससे एक कम कर दिया, और ये किस बिहाफ पर इन्होंने किया, सिंस डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर किया। अब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, अब आप अच्छी तरीके से समझते हैं
कि ये अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x टू दी पावर माइनस वन प्लस वन x टू दी पावर x। अब तुम जरा ध्यान से देखो तो ये वही है जो y दिया गया है, जबकि आप जानते हैं पूरे डिफ्रेंसिएशन के अंदर एक अकेला फॉर्मूला ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल का जिसमें जो दिया होता है उसका डिफ्रेंसिएशन वही होता है, इसके अलावा किसी में भी ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है। माने dy/dx e टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, ये अकेला फॉर्मूला है, इसके अलावा कहीं पर भी वही डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट होगा जो आपको दिया जा रहा है। ये एरर स्टेप है। एरर क्यों है ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ये जो है ये n being any number, being any number, ये कोई एक नंबर होगा, जबकि यहाँ पर क्या है वेरिएबल फॉर्म है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देन वॉट इज द करेक्ट प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही प्रोसेस क्या होगा आइए देखते हैं। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, ये केस देखने को मिल रहा है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, क्या करेंगे लॉग अप्लाई कर देंगे, देन क्या देखने को मिलेगा लॉग एक्स टू द पावर एक्स, देन लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी क्या करना है डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर देना है, बोलो अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या देखने को मिलता है एक्स लॉग एक्स, ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है सेकेंड फंक्शन, कौन सा रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्या अप्लाई नहीं कर पाओगे, हाँ इसका डिफ्रेंसिएशन तो बोलो जरा क्या होगा लॉग वाई का, अभी अभी मैं बता रहा था इस चीज को एज इट इज याद कर लेंगे, अगर कभी मैं बोलूंगा डी बाई डी एक्स लॉग वाई देन यू हैव टू सिंपली राइट डाउन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, गॉट इट, ये एज इट इज याद रखेंगे, इसको एज इट इज याद रखना है। यहां से आगे देखते हैं, यहां से देखो ये तुमको क्या देखने को मिलेगा वन अपॉन वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इसका टू, इधर से देखो यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, क्या जनरेट होगा फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स, यहां से लॉग एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, ओवरऑल x से x कैंसिल होता है, क्या मिलता है 1 प्लस log x, चल क्या रहा है dy by dx, तो dy by dx इक्वल्स टू y 1 प्लस log x, क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या आप चीजों को समझ पाए, आगे बढ़ा जाएं, गुड बहुत बढ़िया, यहां से क्या देखने को मिलेगा dy by dx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x टू द पावर x 1 प्लस log x, दिस इज द फाइनल आंसर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको सीधे याद रखेंगे, ये आपके इंटीग्रेशन में प्रॉपर काम करेगा। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर x टू द पावर x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है x टू द पावर x 1 प्लस log x। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको क्या है बेहतर तरीके से समझ आ पा रही है, क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है फटाफट इसे नोट करेंगे ताकि कुछ आगे नेक्स्ट चीजें क्लियर की जा सके। ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे रफ करते हैं फिर कुछ आगे समझने का प्रयास करते हैं। लॉगरिथम में दो चीज़ें हमने सीख ली हैं, एक तो अगर फंक्शंस बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म पर हैं तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरा जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तब इस्तेमाल करते हैं। इसी का एक तीसरा केस देखते हैं, अगर कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल हो जाता है तब क्या करते हैं। आपको यहाँ से दो पॉइंट क्लियर होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक x टू दी पावर n इक्वल्स टू n x टू दी पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला तब ही अप्लाई होता है जब पावर किसी कांस्टेंट नंबर पर होता है 2, 3, 4, 6 कुछ इस तरीके से कांस्टेंट नंबर, मतलब वो बॉडी कांस्टेंट होनी चाहिए वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल किसको कंसीडर करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है वो चीज़ क्या है वेरिएबल है, गॉट इट, या फिर जिस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो फंक्शन उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए, बात समझे या नहीं समझे, ठीक है फिर आगे देखते हैं। अब इसी में एक तीसरा केस अडॉप्ट करते हैं, अब तीसरे केस को जो हमने अडॉप्ट किया तो तीसरे केस में हम ये वाला केस ले रहे हैं, जैसे y इक्वल्स टू a टू द पावर x, देखो बच्चा यहां पर क्या है a टू द पावर x है, अभी भी एक चीज क्लियर है कि ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा क्योंकि अगर x टू द पावर a होता तो अप्लाई हो जाता, अभी क्या है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x ही पावर पर है तो कांस्टेंट टू द पावर क्या है वेरिएबल, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा इसे डिफरेंशिएट करना होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा ए टू दी पावर है सॉरी आपको लॉगरिथम से बताना है
log y equals to log a to the power x. log y equals to x क्या होगा, आगे आ जाएगा log a. ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पर किया गया है, log m to the power n equals to n log m. क्या इतनी चीजें समझ पाए? फिर यहां से देखते हैं, यहां से आपको देखने को मिलेगा log y equals to x into log a. अभी हमने क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया d by dx log y equals to, यहां से क्या किया डिफरेंशिएट किया x into log a. आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि ये जो log a है ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है. log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy by dx. यहां से क्या देखने को मिलेगा log a, यहां से क्या देखने को मिलेगा dx upon dx, यहां से क्या देखने को मिलता है 1 upon y dy by dx, इसकी वैल्यू 1. ये जो यहां से इस पर आए हैं इसके लिए आपको अभी अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट को याद रखना है. यहां से क्या देखने को मिलता है log a, यहां से dy by dx equals to y log a, यहां से dy by dx equals to y की वैल्यू पुट कर देते हैं, देन a टू द पावर x log a बेस e. दिस इज द फाइनल आंसर. अब ये फार्मूला मैंने इसके पहले आपको डायरेक्टली याद करा दिया था, ठीक है. अदरवाइज इसका जो सोल्यूशन है वो पूरा ये है जो कि आप प्रॉपर देख पा रहे हैं. अब इसी सिचुएशन में अगर हम एक क्वेश्चन फिर से पिक करते हैं और हम कहें x टू द पावर a को डिफरेंशिएट करो, बच्चा इस सिचुएशन में ये वाला फार्मूला काम कर जाएगा. क्या आएगा, d by dx x टू द पावर a, a आगे आ जाएगा और x की पावर जो a है उससे a कम हो जाएगा. तो ओवरऑल दिस इज योर फाइनल आंसर. मैं उम्मीद करता हूं कि लॉगरिथम का ये हिस्सा भी आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा, ठीक है. दो चीजें हम लोगों ने सीख लिया है इसमें. डिवीजन एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें कि आपके फिर सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, लास्ट वाला एक केस बच रहा है, ठीक है. एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे कि ये बात भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. नोट कर लिया होगा जो कॉलम में रफ कर रहा हूं, ठीक है. ठीक है, ठीक है. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर रहे हैं. एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है डिफरेंशिएट करें एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 विद अंडर रूट. यहां पर हमने देखा बहुत कुछ प्रोडक्ट फॉर्म पे भी है, बहुत कुछ डिवीजन फॉर्म पर भी है, साथ में m टू दी पावर n का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है. हम क्या करेंगे, log लेंगे, log y इसकस टू. यहां से भी हमने log लिया तो हमें प्रॉपर क्या देखने को मिलेगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 टू दी होल पावर 1/2. यहां से क्या देखने को मिलेगा, log y equals to log, यहां से 1/2 आगे आ जाएगा और यहां से ओवरऑल अब जो बच गया है उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5. क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए, ठीक है. अभी हमने क्या किया यहां पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है इस प्रॉपर्टी को मेंशन कर देता हूं ताकि चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो पाए. n log m, बच्चा जो पावर है वो आगे आ गया है, जो पावर है वो आगे आ गया है. अब यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को भी समझेंगे. यहां से क्या देखने को मिलेगा, then log y equals to 1 upon 2
यहां से तुम्हें देखने को मिलेगा log, यहां से देखने को मिलेगा x माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस log x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड x माइनस फाइव। ये इतनी बात समझ आती है क्या? इतनी बात बेहतर तरह से समझ आई क्या? इतनी बात बेहतर तरह से समझ आई? अभी कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है? बिल्कुल सही जवाब, log m बाई एन इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये रही आपकी क्या प्रॉपर्टी। अभी आगे देखते हैं, इसी को हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको आगे सिंप्लीफाई किया। यहां से क्या देखने को मिलता है, log y इक्वल्स टू वन अपॉन टू, ये आपको देखने को मिलेगा log x माइनस वन प्लस log x माइनस टू माइनस log x माइनस थ्री माइनस log x माइनस फोर माइनस log x माइनस फाइव। ये हमारे पास क्या रहा, ओवरऑल आउटपुट रहा। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है, log m इंटू एन इक्वल्स टू log m प्लस log n। यहाँ से फिर आगे देखेंगे भैया, log y इक्वल्स टू वन अपॉन टू, यहाँ से अब ज्यादा आगे नहीं देखेंगे, आप इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बच्चा सीधे कर रहे हैं, तो y का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वन अपॉन टू पूरी बॉडी के बाहर रहेगा, बाकी सबको कैलकुलेट कर देंगे। यहां से क्या देखने को मिलता है, x माइनस वन एक्स माइनस टू देन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है। यहां से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जो बच गया है उसको लिखा रहने देंगे, वन अपॉन एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एंड फाइनली एक्स माइनस फाइव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? बच्चा ये जो आपकी वाई की वैल्यू रही, इस वाई की वैल्यू को आप पुट कर देंगे और यही होगा आपका फाइनल आंसर। अगर इसको आगे और भी सिंप्लीफाई किया गया तो अंदर एलसीएम ले लेना, अदरवाइज आप इसी जगह पर इस सोल्यूशन को क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही हैं, आप समझ पा रहे हैं हाउ टू अप्लाई लॉगरिथम इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम आपने क्लास 11th में सीखा होगा, क्लास 11th में NCERT टेक्स्ट बुक में अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू जो बिल्कुल लास्ट में पीछे है, वहाँ पर आपको लॉगरिथम देखने को मिल जाएगा। अगर पढ़ा होगा कायदे से तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर आ रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं यूज ऑफ लॉगरिथम में। अब इसी का बच्चा एक नेक्स्ट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि ये इसके सारे केसेस डिस्कस हो चुके हैं। अब यहां से एक न्यू टाइप का सोल्यूशन जनरेट होता है। एक दो सोल्यूशन और आपको बताते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक दो सोल्यूशन और, क्वेश्चन नंबर 12 है NCERT से, क्वेश्चन नंबर 12 है NCERT से, एक्सरसाइज 5.5 कह रहा है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। बच्चा एक चीज तो क्लियर है कि इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, परेशान नहीं होंगे फंक्शन के लिए, मैं कोशिश करूंगा कि इस चार्ट को आज मैं अटैच कर दूं इसी वीडियो में। तो अभी क्या है कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इम्प्लिसिट फॉर्म। अब इम्प्लिसिट फॉर्म फंक्शन का क्या होता है जिसमें डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर नहीं होते हैं, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं इसी सीरीज में जो चल रही है डिफरेंशिएशन की, वहां पर भी मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया हुआ है। अब ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, इस इम्प्लिसिट फॉर्म में भी ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर दो कंसेप्ट एक साथ अप्लाई किए जा रहे हैं। लॉगरिथम में कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है कि लॉग अंदर रन कर जाए, लॉग एम प्लस एन डज नॉट इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये दोनों आपस में इक्वल होते ही नहीं है। इसलिए लॉग क्या कोई भी फंक्शन कभी अंदर नहीं रन कर पाता है, जैसे कि हम कहें
साइन ए प्लस बी, तो आप जानते हैं इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है, ना कि हम इसको ये लिख देते हैं, ये नहीं लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन है, वो कभी भी आर्गुमेंट के पास इंटरनली रन नहीं कर पाएगा। ये प्रॉपर्टी ऑपरेटर की होती है, जिसमें कि लीनियर प्रॉपर्टी के थ्रू अंदर भी रन कर जाते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कैसे लिया जाएगा। चलो देख लेते हैं। हमने क्या बताया, हमने कहा कि ये u है, ये v है। तो फिर जाहिर सी बात है u प्लस v इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। डिफरेंशिएट ही तो करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देन dv by dx इक्वल टू dy dx और साथ में 1। अभी यहां से du by dx प्लस dv by dx इक्वल टू 0, ये रहा तुम्हारा इक्वेशन 1। अब ओवरऑल हमारा आंसर आ चुका है। हमें करना क्या है, हमें किसी तरीके से du by dx और dv by dx की वैल्यूज निकालना है, ठीक है। वेयर, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों इधर से देखो, किसको u माना था, u किसे माना, x टू दी पावर y को, क्लियर। यहां से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, तो यहां से क्या देखने को मिलता है, यहां से क्या देखने को मिलता है, हाँ तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने क्या किया है, बोथ साइड डी बाई डी एक्स रन करा दिया है, यहां पर भी आ गया डी बाई डी एक्स, और बच्चा यहां पर ये प्रॉपर्टी जो है लॉग की इस्तेमाल कर दी है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, यहां से हमको देखने को मिलता है 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, यहां से लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो आता है फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। यहां से क्या देखने को मिल जाएगा, यहां से देखने को मिलेगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, हाँ भाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, गुड, 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अभी इतनी चीजें क्लियर हो पाई। यहां से क्या देखने को मिलता है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू, यहां से वाई अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इतनी बात समझ आती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स, वट इज द वैल्यू ऑफ u, x टू दी पावर y, y अपॉन x प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स, इतनी बात क्लियर है। क्या इतनी बात आपको समझ आई, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हो पाई, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, कि लॉगरिथम में कभी भी ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, मतलब log एक फंक्शन है इसलिए वो इंटरनल रन नहीं कर पाता है, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली ऑपरेटर की होती है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है इसलिए डिफरेंशिएशन ऐसा कर सकता है। इसीलिए चेन रूल में हम लोग ये सीखते हैं ना कि पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसके इंटरनल पार्ट मतलब उसके आर्गुमेंट को भी डिफरेंशिएट कर दिया, देन दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेटर नॉट अ फंक्शन। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जबकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है लेकिन वो अटैच है, किससे अटैच है, प्लस या माइनस से, तो भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी लॉग का एडॉप्टेशन थोड़ा सा एक अलग पैटर्न पर हो जाता है। क्वेश्चन अभी बच्चा कंप्लीटली सॉल्व नहीं है, उसी के आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। इधर का ये पोर्शन आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो फिर इसको इधर से रफ कर देते हैं और फिर अब आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बच्चा, ये तो देखो यू था, ये वाली बॉडी यू थी और ये वाली बॉडी वी थी। अभी हमने किसको पिक किया, यू को पिक किया, अब हम किसको पिक करने जा रहे हैं, वी को पिक करने जा रहे हैं। तो बताते हैं एंड v इक्वल्स टू y टू द पावर x। अब अगर v इक्वल्स टू y टू द पावर x है तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल बनता है, क्या अप्लाई कर दिया, log अप्लाई कर दिया, क्या देखने को मिलता है, y टू द पावर x, यहां से log v इक्वल्स टू x इनटू log y, यहां से हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे ही हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो हमें देखने को मिलता है log v इक्वल्स टू d बाय dx x इनटू log y, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से देखने को मिल जाता है log v इक्वल्स टू ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब यहां से आपको देखने को मिलता है dy dx, बच्चा log v का डिफरेंशिएशन, log v का डिफरेंशिएशन, गुड, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन v dv by dx इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो देखो log y का डिफरेंशिएशन
वन अपॉन वाई आफ्टर देन डी वाई बाई डी एक्स, जबकि ये जो बॉडी है ये अपनी जगह पर रहेगी। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स हमने क्या किया, वी को ट्रांसफर किया, क्या देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, ये भी बात सही है। लॉग वाई यहां से डी वी बाई डी एक्स, वट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी क्या है वाई टू दी पावर एक्स है, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस का लॉग वाई। यहां से देखो डी वी बाई डी एक्स इसकस टू क्या देखने को मिल जाएगा, बस बच्चा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये जो रिजल्ट है ये दोनों वैल्यूज उठाएंगे, उठा करके कहां रख देंगे इन इक्वेशन वन, पुटिंग डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन वन। जैसे ही हमने वन में पुट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स, बच्चा ये रही वैल्यू, क्या देखने को मिलेगा एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ये रही भाई वाई टू द पावर एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इसकस टू जीरो। डिफ्रेंसिएशन जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था उसी दिन से मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पर डिफ्रेंसिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स, कुछ भी दिया हो, फंक्शन किसी भी तरीके का दिया हो, किसी भी कैटेगरी में हो, कुल मिलाकर के कहा गया डिफ्रेंशिएट करो मतलब कि तुमको डी वाई बाई डी एक्स जनरेट करना है। यहाँ से कुछ पोर्शन रफ करते हैं और इसके बाद इसी जगह से इसे कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी बच्चा हमने क्या किया है इसी के आगे से इसको पिक कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक साथ कलेक्ट करेंगे, देन एक्स टू दी पावर वाई, वाई अपॉन एक्स, देन एक्स टू दी पावर वाई, देन लॉग एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टू दी पावर एक्स आफ्टर देन लॉग वाई इक्वल्स टू जीरो। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म से एक साथ होने चाहिए, मतलब इन दो बॉडीज को एक साथ कलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। अब आगे क्या तुम्हें देखने को मिलता है, अब आगे क्या देखने को मिलता है, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन किया x टू दी पावर y log x y x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। एक नोट पॉइंट याद रखना, जब भी डिफ्रेंसिएशन में कुछ कॉमन करते हैं तो वो dy वाई बाई डी एक्स के इस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ नहीं लिखा जाएगा। अगर आप उसको इस तरफ लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो बॉडी डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी रखी हुई है, प्लस y टू दी पावर x log y इक्वल्स टू जीरो। अच्छा क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वन साइडेड, बाकी सबको अनदर साइड। ठीक है, तो इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर ये बात भी समझ आती है कि ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, तो माइनस एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर वाई माइनस वन वाई y टू दी पावर x log y होल अपॉन x टू दी पावर y log x x y टू दी पावर x माइनस वन। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अभी क्या है, एक क्वेश्चन और पिक करते हैं, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, पूछा गया है 15, 16 और 18 कंटिन्यूसली 3 इयर्स आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है जरा ये देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है x टू दी पावर y प्लस टू e टू दी पावर x माइनस y, कह रहा है कि अगर ये दिया गया है तो फिर आपको प्रूफ करना है log x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू log x अपॉन वन प्लस log x का होल स्क्वायर। क्या कहा, log x अपॉन वन प्लस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है 2015, 16, 18 में कंटिन्यूसली आया है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं।
सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखा x टू दी पावर y इक्वल्स टू e टू दी पावर x माइनस y है, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे। जैसे ही हमने लॉग लिया हमें क्या देखने को मिलता है x माइनस y, यहां से y log x। बच्चा किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये बात आई है, log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m। बच्चा एक एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। यहां से x माइनस y आगे आ जाएगा और ये भी सेम प्रॉपर्टी से e। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, log m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m। बच्चा इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। y log x इक्वल्स टू, ये log की प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू 1 होती है। लॉगरिथम की शीट आपको विजुअल मैथमेटिक्स पेज पर देखने को मिल जाएगी, केवल गूगल पे डाल देना @visualmathematics, वहां पर लॉगरिथम की शीट देखने को मिल जाएगी। अभी क्या करना है, y log x प्लस y इक्वल्स टू x, y को हमने यहां से कॉमन किया, देन x अपॉन 1 प्लस log x, ये हमारे पास आया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है बच्चा, डिफरेंशिएट करना है। ये तो अभी तक केवल y की वैल्यू जनरेट किया है, रफ कर रहे हैं, इधर का नोट कर लिया होगा आप लोगों ने ये कॉलम, ठीक है। फिर देखते हैं भाई आगे क्या हो सकता है। यहां से अब आपको देखने को मिलेगा d बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1 प्लस log x। यहां पर क्या अप्लाई हो रहा है, यहां पर सिंपली डिवीजन रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं dy वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर देन डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति या विपत्ति, क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, बच्चा फिर से बताओ x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सही है, 1 प्लस log x, गुड, माइनस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, जबकि यहां से log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है, क्या देखने को मिलता है, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू, यहां से क्या देखने को मिलता है, 1 प्लस log x, फिर x और 1 अपॉन x, ओवरऑल 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यहां से dy by dx इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। 1 से ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर देन dy by dx इक्वल्स टू, यहां से तुमको देखने को मिलेगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? देखो बच्चा, यही प्रूफ करके लाना था, ये प्रॉपर प्रूफ हो चुका है। कुछ किसी बोर्ड का बच्चा देखो कोई मतलब नहीं है, ना ही यूपी बोर्ड का कोई सेंस है, ना ही सीबीएसई और ना ही आईसीएसई। आप हर बोर्ड की बुक्स उठाएंगे आपको वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो भी हम लोग सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन हो गया या इंटीग्रेशन हो गया, ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का टॉपिक थोड़े ही है। ये तो लेबनिट्स हो गए, न्यूटन हो गए, इन लोगों ने इस टॉपिक को फॉर्म किया और उसके बाद से सब लोग यही पढ़ा रहे हैं। इसलिए मेन कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट पर अगर आपकी कमांड है आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे कोई मुहर नहीं लगी होती कि नहीं ये केवल सीबीएसई बोर्ड वाला ही व्यक्ति लगाएगा या फिर ये यूपी बोर्ड वाला व्यक्ति लगाएगा या फिर ये आईसीएसई बोर्ड वाला व्यक्ति लगाएगा। तो क्या करना है, फुल्ली कंसंट्रेट करना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना है, एंड इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस देन इट मींस यू हैव अ गुड कंसेप्ट, अदरवाइज समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। किसी भी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे तो वहाँ पे कोई सी बोर्ड के करस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।